भाइयों को, देशवासियों को भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भाई सबसे पहले की बात है कि बोलना पड़ गया, कोई भी फौज देश की अंदर की लड़ाई जब लड़ा करे, जब देश में या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जा, भाई सरकार ने भारी गलती कर दी कि ना तो सरकार अपना पद छोड़ने को, अपनी सरकार का हाथ खड़े करने को तैयार है कि हम हार मान गए, अब सरकार लड़ो, सेना आकर लड़ो, और ना ही अब सुर जारी है। भाई जब सेना गांव में देहात में, भाई दूसरी जातियां का नहीं पता, क्योंकि दूसरी जाति मैं नहीं हूं, अपनी जाति के बारे में जरूर पता, मैं जाट हूं। भाई हमारे दिलों में सेना के प्रति भगवान बराबर सम्मान है, और खट्टर साहब, मोदी साहब ने आज वो सेना, वो हमारा भगवान हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, तो भाई ये बात अच्छी नहीं है। भगवान के प्रति हमारे सम्मान मत घटावे, या राजनीति मत खेले, देश ने मत तोड़े, ऐसा ना कर कि सेना और जाट आमने सामने खड़ा हो जा। जिस दिन सेना और जाट आमने सामने खड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया खड़ी देखेगी, इतिहास बन जाएगा। सेना का सम्मान है, सम्मान रहेगा, सम्मान रहने दे। लड़ाई सरकार की और जाटा की है, सेना ने बीच में मत ले आवे। के दूसरी बात, अगर सेना ने ले आवे है तो जातिवाद में मत ले आवे। बॉर्डर के ऊपर जब लड़ाई माचे है, जब सब ताग सीना ठोक कर जाट लड़े हैं, सारी ये जितने भी आरक्षण है आ रहे हैं, सारे पक्ष है, कोई पानी पचाण में, कोई बाल कटने में, कोई लत्ते धोने में, कोई प्रेस करने में, कोई जूते बांधने में, सारे बांधना ले ले पक्ष खड़े हो जाए हैं। अरे नौका दे जाट छतरी 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 उड़ा दे, बहुत छतरी करके सल्यूट मारा है मरवाण के नागे, और हम भी जाट भी चौड़े होकर लड़े हैं, हमने कोई शिकायत नहीं, ना कोई जातिवाद। फिर जब आरक्षण की बात आवे है तो ये जातिवाद मारे मेंढ दिया जा है, अगर भाई जाट ने आरक्षण की जरूरत नहीं है, जाट ने आरक्षण की जरूरत है। सब आज एक छोटा नाई, छोटा मोटा वर्ग, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर किसी का सवाल है कि जाट स्ट्रोंग है, फिर इसने आरक्षण की जरूरत क्यों है। भाई स्ट्रोंग है यह बात जरूरी है, हम मानते हैं, और नहीं मानते हो तो भाई बार बार आवाज आ रही है बिहार में जेएनयू में कि भाई हमने भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमने आजाद दो, हम वे जाट हैं मोदी साहब, दो दिन जाटा ने पूरे भेज दे, अगर वहां से एक आदमी की भी आवाज आ गई भारत के खिलाफ, जिंदगी भर रहे नहीं रहेंगे सरकार के, जिंदगी भर जाट बोलेंगे नहीं, मुद्दा खत्म कर देंगे जेएनयू का, भारत के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होती, हम जाट से, इसलिए आज जाटा का देश चल रहा। आज ये दूसरी कौम आरक्षण ले ले कमरे में बैठी है, बॉर्डर पर क्यों ला रहे, मरला रहे, हम मरे हैं, ये कोई नहीं मरते। दूसरी बात क्या होगा, आरक्षण क्यों जरूरी हो गया, मोदी साहब एक क्विंटल खार 4,000 रुपये का आवा है, और एक क्विंटल गेहूं 1,200 रुपये का बिका है, हमने मुश्किल था 10 क्विंटल गेहूं नहीं बेचने का मौका मिलता, क्यों, पैदावार नहीं हो रही है, 10 क्विंटल बेचे 1,200 का हो गया, और 4 क्विंटल 5 क्विंटल उसमें खार लगाना पड़ गया, 1,000-1,000 रुपये की लीटर दवाई आ रही है, वह लगानी पड़ रही है। रात भर अपने छोटे छोटे बड़कान देख उड़े खड़े हम, हमने बचत था ढंडस नहीं, इसलिए हमने जरूरी हो गया। और दूसरी बात यह है, अगर तू आरक्षण नहीं देना चाहता जाटा ने, मत दे, लेकिन एक स्कीम बताऊं अगर तेरे दिमाग में बैठ जाते, सुन ले खट्टर साहब, ये जब बिना आरक्षण के ये सारी जात कमजोर है, आरक्षण दे देगा पूरा करा जा है, तो भाई फिर ये कमजोर जात इलेक्शन क्यों लड़े हैं, है? इलेक्शन कोई जात नहीं लड़ेगी, इलेक्शन सिर्फ जाट लड़ेंगे, जाटा ने इलेक्शन के लिए चुन दो, अगर भाई इलेक्शन जाटा का चौधर जाटा की, फिर हमने कति आरक्षण नहीं चाहिए, किसा आरक्षण नहीं चाहिए, और नहीं तो 2 तारीख ने दिल्ली मान लाग रहे हैं, इतने ट्रैक्टर ट्रेली अड़ा देंगे, तेरी समझ में नहीं आओगी। और के कहा है मोदी साहब, समझ जा, जहाज में आ गए, और तू के कहा मेरे द्वारे कार नहीं है, अरे वाह, तो हमने भी कार की जरूरत कौन, जाजा हमने भी बैठा ले, ठीक है, जाटा पटाक मत करे, जातिवाद में मत मेरे। दूसरी बात सुना भाई, जितने चमार है सारे हरिजन बन गए, जितने चूड़े है सारे वाल्मीकि बन गए, जितने माड़ी सारे सैनी बन गए, जितने नाई है सारे सैन बन गए, की ना बनाए तुम, सरकार ने बना दिए, आप अपने नाम आप टेक रहे हो, ना तो सरकार टेकती हो तो हमारा भी नाम टेको, जाट हमने बाज के कोई कह दे जाट, हम किसन चूड़ा कह दे छोट, चमार कह दे छोट, नाई कह दे धोबी कह दे तेली कह दे माड़ी कह दे सारे छोट, हमने भी जाट नहीं, देवता का आग्रह देवता।